राजा होशियार। आज इतिहास के सारे राजा महाराजा राजकुमार चखेंगे हंसी का आचार। आज हंसी के धर्म अधिकारी अर्चना और अरबाज के दरबार में हंसी का इतिहास रचेंगी हमारी तिकड़ियां। सो वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे हिस्ट्री स्पेशल। आपसी चक्कर लेकर आ रहे हैं ठाकुर एज कॉमेडी शो, परेश एज अ डेली सोप एंड सुगंधा एज अ रियलिटी शो। कॉमेडी सर्कस, ये वो शो है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के घर घर में खुशियां फैली हुई हैं, स्पेशली संजीव और विपुल के घर में। yes. ये वो शो है जिसके सामने किसी का नाटक नहीं चलता, किसी की नौटंकी तो स्पेशली नहीं चलती है। ये वो शो है जिसकी वजह से पहाड़ों में मिट्टी के घरों में रहने वाली अर्चना ने मड आइलैंड में बंगला बना लिया है। सोचिए, जिस भारती पर चार चार लोग बैठकर सफर किया करते थे, आजकल वो चार चार गाड़ियों में बैठकर सफर कर रही है। अगर मैं ना होता तो शायद आज वो नेपाल के किसी बॉर्डर पर हक्का नूडल्स बेच रही होती। ये है महान शो, क्योंकि ये वो शो है जहाँ पर कभी अर्चना के घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी, जो थर्ड क्लास में 7-7 नंबर लाया करती थी, यहाँ पर बैठकर एमए पास लोगों को 10-10 नंबर दिया करेगी। झूठ है ये सब सुनने से पहले मेरी आंखें बहरी क्यों नहीं हो गई? नहीं, टैटन टैटन टैटन। ओवर एक्टिंग, यानी कि पूर्वी तुम? नहीं नहीं नहीं, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैं हूं गणात्रा, मैं हूं डेली सोप की संस्कारी बहू, बहू बहू। बहू का मुंह देखो, ऐसे लगता है अभी अभी ऊंट ने पपी लेके छोड़ा हो। ज्यादा बकवास मत कर समझी ना, तेरे शो में ना एक दो कैरेक्टर हिट होंगे, लेकिन डेली सोप में ऐसा नहीं है। अरे अमिता का अमित हो या छन छन, सबको बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? है ना आंटी? अरे टीवी शो का बाप तो हम हैं, डेली सोप नहीं, टीवी शो का एक ही बाप है, कॉमेडी शो। कॉमेडी कॉमेडी डेली सोप, कॉमेडी डेली सोप, कॉमेडी डेली सोप, डेली सोप, डेली सोप। रोटी 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 डैन डैन। क्या है ये, क्या लिखा कर रखे तुम दोनों ने? और तुम है दो कौड़ी के कॉमेडी शो, क्या समझते हो अपने आप को? दो कौड़ी के कॉमेडी शो और तुम डेढ़ कौड़ी के डेली सोप वाले। तुम दोनों समझते क्या हो? तुम दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि कौन टीवी का बाप है? अब म्यूजिक रियलिटी शो, सिंगिंग। अरे अगर सिंगिंग नहीं होती ना तो तुम्हारे लहरी जी उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। कैसे, क्या करते वो? यही करके हिट हुए ना वो। एक मिनट, तेरी फोटो को सीने से चिपका लूं से फेविकोल से, हो तेरी फोटो को सीने से चिपका लूं से फेविकोल से। बस हमने हमने बनाया है तुम लोगों को करियर, हमने बनाए हैं। अच्छा, हमारे आर्टिस्ट को क्रेडिट भी तुम ले लो। मैं तो आपको बता दूं, ये म्यूजिकल शो की बदौलत कुछ नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी शो, कॉमेडी शो। अच्छा हाँ। क्यों, तुझे क्या लगता है सिर्फ कॉमेडी शो ही चलते हैं? हाँ। तुझे क्या लगता है हम लोग कॉमेडी एक्टिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं आती है। अरे जा जा, हमारे ना डेली सोप के जो एक्टर्स है ना, वो आजकल हीरो बन गए, हीरो फिल्मों में हीरो बन गए और करोड़ों कमाते हैं, समझे? अच्छा, फिल्मों वाले अगर करोड़ों कमा रहे होते ना तो हमारे शो में बैठ के जज ना कर रहे होते बेटा। सही कह रहे थे, तुम्हारे रियलिटी शोज के जजेस किस
किसी काम के नहीं है, बिना बात की बातों पे हंसते रहते हैं। जजेस तो हमारे शो के हैं, कितने इंटेलिजेंट। अरे चुटकी में गाने बना, चुटकी में ओ जी है बिल्डे का डा 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 ऐसे। हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बने गाने को बनाना तो चुटकी लगेगी। जो भी हो भाई, जजमेंट तो फेयर होती है वहां पे। तुम्हारी तरह कॉमेडी शो की तरह नहीं कि हां इश्क के चक्कर में 6-6 बार एक ही कंटेस्टेंट को विनर बना दो। ए खबरदार, जो किसी पे उंगली उठाई दो तेरा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कभी इश्क के चक्कर में किसी को 6-6 बार नहीं जिताया है। इश्क के चक्कर में 9-9 बार किसी को हराया जरूर है। जिताने की बात कहां से आ गई? सही 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 गणत्रा। क्या गणत्रा, क्या है ये? मैं गुस्से हो रहा हूं। बहुत हो गया तुम्हारा गुस्सा गुस्सा। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर फाइनल हो ही जाए कि कौन कितना बेस्ट है। मैं कहती हूँ बुलाओ अपने कॉमेडी शो में हमारे म्यूजिकल शो का जज। ठीक है प्लीज, तो कर लो कॉम्पिटिशन। आपका स्वागत है, और आज है हमारे जज श्रीमान अर्चना पूरन सिंह। सबसे पहले पार्टिसिपेंट तो हम बुला रहे हैं पंजाब से सुगंधा मिश्रा। मेरे कप्पू के शहर से, पंजाब से आओ आओ आओ। शुरू करो, आओ करो। बाकी पंजाब की खासी है, शुरू करो। नैनो में ताकत रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे। थैंक यू मैम, थैंक यू। खत्म हो गया। कम आई वांट टू टेक यू होम। चलो कम कम, आई वांट टू। नहीं मैंने परफॉर्मेंस खत्म हो गई। नहीं थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू। खत्म हो गया। हां जी हां, ओके। अब मेरी कमेंट्स। देखो आपने जो किया, आपकी एनर्जी बहुत कम थी, पंचेस भी थोड़े कम थे। वैसे राइटर्स ने बहुत मेहनत की है। कौन है, कौन राइटर? उसे ना स्टेज पे कभी मत बुलाना, मेरे 500 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। उन 500 रुपये में से मेरा शाम का हो जाएगा सेटलमेंट। हाँ तो मैं ये कहना चाहती थी कि जो आपने एक्ट शुरू किया 8-8 का था, लेकिन फिर आपने जो पंचेज मारे, कसम से जो पंचेज मारे मैं 5 से ज़्यादा दे ही नहीं सकती। एकदम माइंड बॉइलिंग। ये है हमारे जजेस, पता है मजाक मजाक में एक्ट में जितना मर्जी हंस लें, नंबर देते वक्त बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। नहीं हमारे जजेस ऐसे नहीं है, हमारे जजेस बहुत लीनियंट है। अरे मैं कहती हूँ अपने कॉमेडी शो में बुलाओ हमारे म्यूजिकल शो के जज को, फिर देखो। हो जाओ। हेलो, मैं हूँ श्रुति से। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस के अजूबे। आज के हमारे जज हैं मनु। धरन धरन धरन। क्या बोला, फिर से धरन 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 धरन। एक न्यू कॉम्पिटिशन आ रही, न्यू कॉम्पिटिशन न्यू कॉम्पिटिशन। डडन 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 डन 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 डडन डन डन डडन डन डन डन। आग लगा दूंगा, आग। ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल, मेरी माइंड। आग लगा दूंगा। आज के हमारे पहले और आखिरी कंटेस्टेंट है राजीव ठाकुर एज राजीव ठाकुर। मेरी एंकलिंग्स खत्म हो गई और बस, कम बैक स्टेज। नमस्कार। आग लगा दे, आग लगा दे, फाड़ दे फाड़ दे। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन, आग लगा दे। नहीं नहीं पता क्या, आप जैसे जज होते हैं ना, जो हर बात पे शेर बोलते हैं, सुहागरात पे वो दूध देके ना दूध पे शेर बोल के सो जाते हैं। तूने तो मुझे छेड़ा है, तूने तो मुझे छेड़ा है, मिठाइयों में तू पेड़ा है। यहाँ सब है एक से बड़े एक होनहार, लेकिन तू उन सब में एड़ा है। एक बार एक हाथी होता है। हाथी हाथी क्या बात है, आर द बेस्ट। एक बार एक चींटी होती है। चींटी चींटी वाह, देख रे चींटी पे एक ओरिजिनल कंपोजिशन है। चींटी पे आ ऊंची है चींटी, डैडा 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 डैड। हाथी को पसंद है डैडा 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 डैड। साइज की है प्रॉब्लम डैडा 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 डैड। हाथी बड़ा तंग है, हाथी बड़ा तंग है। अबे नहीं करना मुझे आपके सामने है, इससे तो हमारे कॉमेडी सर्कस के जज बहुत अच्छे हैं। कम से कम चलते एक्ट में कुछ बोर तो नहीं करते तुम्हारी तरह। हमारे जज बेस्ट। गणत्रा गणत्रा गणत्रा। इसलिए कहता हूँ कि डेली सोप टीवी का बाप है, क्योंकि हमारे वहां तो जज ही नहीं होते। लेकिन आज आप भी यहीं पर खड़े हैं जहां पर जज होते हैं। हाँ। तो हम फैसला नहीं करेंगे। हाँ। वो करेंगे कि टीवी का बाप कौन है। कौन
डेली सोप। अर्चना, let's start with you. What do you say about this performance? परेश, आज आपने बहुत बढ़िया किया, मुझे बहुत पसंद आया जो भी आपने किया। सुगंधा, last few weeks I thought that there was a little confusion कि आप सोच रही थी इतना मुझे नहीं दिया जा रहा। इस एक्ट में तीनों के लिए वैसे कुछ ज्यादा नहीं था, जितना था आपके पास आपने वो बहुत अच्छा किया। राजीव, आई न्यू दैट आप कैरेक्टर इतना बढ़िया लिखा नहीं था, लेकिन आपने उसमें अपने एलिमेंट डालकर उसे बहुत उठाया। टोटैलिटी में एक्ट वॉज वीक, तो आप लोगों ने बहुत एफर्ट डाला इसमें। सो इट वॉज इंडिविजुअल टैलेंट विच बिल्ट दिस एक्ट एंड मेड इट वॉचेबल। थैंक यू आर्ची। अरबाज, आई वुड से अ गुड अटेम्प्ट, बट स्लाइटली आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो शायद इस वजह से मैं थोड़ा सा नॉट दैट एक्साइटेड अबाउट द एक्ट। आपने कभी 3000 साल पुरानी कोई चीज देखी है? हेलो, आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं 3000 साल पुराने स्टैचू की बात कर रही हूँ। 3000 साल पुराने स्टैचूज की मरम्मत में आती है कितनी दिक्कत, ये दिखाने आ रहे हैं सिद्धार्थ एज अ स्टैचू मेकर विद भारती एंड किकू एज स्टैचू। हेलो अर्चना जी, अरबाज भाई। अर्चना जी सॉरी, मैं कल रात का आपका फोन नहीं उठाया। वो क्या है, आप मेरे को फोन करके क्या बोलेंगे मेरे को मालूम है। सिद्धार्थ, मेरा 10 रुपए का छोटा रिचार्ज कर देना प्लीज। पैसे मैं अगले शूटिंग में दे दूंगी। नहीं, पैसे 10 रुपए का मेरे को कोई पड़ी नहीं ली, लेकिन आते ही 9 नंबर ही देती इधर मेरे को। नहीं नहीं, पैसा भी नहीं चाहिए मेरे को, नंबर विंबर कुछ नहीं चाहिए, सीधा मेरा 150 रुपए मेरे को दे दो। हाँ, अभी मैं मूर्तिकार बना हूँ मालूम मेरे को, मेरे पैर भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, सोता हूँ तो डब्लू हो जाता है ये। अर्चना सच्ची बोलता हूँ, ये कंट्रोल मैं बोलता हूँ आपको और पैर किधर निकल ही जाते हैं। इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो इधर जाते हैं, इसके बारे में बात करें देखो अभी इधर क्या है। श्रुति, 4 बज गए, नींद में हो, उठ जाओ। अच्छा मैं आया हूँ, कुछ मूर्ति की मरम्मत करनी है। अरे नाक पे हथौड़ा मार दो, ठीक हो जाएगी। नहीं चलना, चल भाई चल भाई, अपने को कुछ नहीं, चल चल उधर चल, उधर चल उधर चल। अर्चना जी मेरे को ना 2 मस्त मूर्तियाँ मिली है, उनको मरम्मत करनी है मेरे को, लेकिन मेरा हथौड़ा मेरे को नहीं मिल रहा है। किधर है मेरा हथौड़ा, किधर है? अरे वेनिला आइसक्रीम और चॉकलेट ब्राउनी एक साथ। इन दोनों को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है प्राचीन काल की जो प्रेग्नेंट औरतें रहेंगी ना, वो ऐसी रहेंगी। ए, मैं मर्द हूँ, मर्द, औरत नहीं। मर्द है तो मैं टॉम क्रूज हूँ। हाय। मर्द मर्द, लेकिन मर्द है लेकिन औरत से सेक्सी ज्यादा तू ही लग रहा है। ए? ये कौन सा मनुष्य है, ऐसी भाषा में वार्तालाप क्यों कर रहा है? इसे पता नहीं हम प्राचीन मूर्तियां हैं। ए प्राचीन मूर्ति, मैं भी क्यों हैरा गहरा नत्थू खेरा नहीं हूँ, मैं बड़ा मूर्तिकार हूँ, बहुत बड़ा। मालूम है मैंने अर्चना जी की मूर्ति बनाई है। अच्छा किधर है, किधर है, किधर है? इधर खड़ा रह, चल चुपचाप, किधर है, किधर है? वो क्या है, मेरे गोडाउन में जगह नहीं ना, तो मैंने मुंबई के बाहर भेज दिए। पता नहीं लोग उसको लोनावला का पहाड़ क्यों बोलने लगे आजकल। लेकिन मैं मूर्तिकार हूँ तो मेरे को तुम्हारी ऐसा निरीक्षण करना पड़ेगा, तुम लोग को क्या क्या है। अरे देखो मेरी पार की नजर से कोई नहीं बच सकता, ये देखो तुम्हारे में फॉल्ट है, अब ये ठीक करना पड़ेगा मेरे को। सॉरी तेरे को लगा क्या? अरे वो भी तेरा आटा बहुत भार आ गया, ये देखो थोड़ा मारना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा। देखो 2 ठोकड़ा मारा, तेरा पेट अंदर, तू बन गया सुंदर। अच्छा 2 जरा अपने चेहरे पे भी मार ले, इसको भी सुंदर बना ले फिर। ए तुम लोग को इतना गुस्सा क्यों है रे, मैं तुम लोग को इतना हैंडसम बनाया? अरे तो गुस्सा तो आएगा ही ना, आएगा ना गुस्सा, 3000 साल से हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। लेकिन ठीक है ना, मेरी तरफ नहीं ना, मैं साला ऐसे खड़ा रहता हूँ, 2-2 दिन में मेरे पैर हिलने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अच्छा डांस कर रहा है यार, मैं बहुत अच्छा डांस कर रहा है, ऐसे खड़े खड़े मैंने 3-3 डांस कॉम्पिटिशन जीत लिए मालूम है तेरे को। अरे ये तो अच्छी बात है। अरे काहे का अच्छी बात है, मोहल्ले में मौत हो गई, मैं जाके खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद पैर हिलने लगे, लोगों को लगा मैं नाच रहा हूँ, जिसका बाप मरा था वो मेरे पास आया, साला मेरा बाप मर रहा है तू नाच रहा है, ऐसा मारा मेरे को, ऐसा मारा। तुम लोगों को मालूम है मेरे के स्टेप अभी भी सूजे हुए मालूम तुम लोगों? थैंक गॉड हमारे पैर ऐसे नहीं है। ए मेरे पैरों के बारे में कुछ बोलने का नहीं, समझा ना? लोग हाथों से शत्रु की एक्टिंग करते हैं, मैं पैरों से करता हूँ, ढाचका ढाचका ढाचका, देखता का ढाचका। ए इतनी भी कोई अच्छी बात नहीं है, 3000 सालों से ऐसे ही खड़े हैं हम लोग। और क्या, नहीं तो कितनी कड़ी धूप, कितनी बरसात, और ऊपर से
चिड़िया ने बीट भी कर दी। चलो मैं साफ करता हूँ बीट की। लो अब गोबर बीट साफ करेगा। साफ करा, साफ करा। अरे पहले बीट इतनी गंदी नहीं थी, तूने हाथ लगा के ज्यादा गंदी कर दी। कैसा आदमी है ये, इससे बेहतर तो हमारे 3,000 साल पहले के आदि मानव हुआ करते थे। अरे उनसे तो डेवलप होके हम आए हैं क्यों? अरे कहाँ डेवलप हुए हो, अभी भी आदि मानव ही हो। कैसे कैसे क्या क्या होता है तुम्हारे युग में? अरे पिज्जा पहले आता है, एम्बुलेंस बाद में आती है। गाड़ी का लोन लेने जाओ तो 7%, पढ़ाई का लेने जाओ तो 12%। ओलंपिक में जो शूटर गोल्ड मेडल लेके आता है गोली चलाकर, उसे सरकार क्या देती है? 3 करोड़ रुपए। और जो सोल्जर बॉर्डर पे सीने पे गोली खाता है उसको सरकार क्या देती है? 1,00,000 रुपया। इधर मेरे बॉडी में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। 30 एपिसोड की हंसी भुलवा दी अर्चना जी को इतना सटायर मार के। मेरे को नहीं रहना तुम लोगों के साथ, मैं जा रहा है सीधे पैर से, मेरे को नहीं रहने का है, जाओ। अच्छा हुआ चला गया। पत्थरू हम ये कैसे युग में आ गए, कैसे लोग हैं ये? हाँ हाँ हमें नहीं रहना ऐसे युग में। अरे कुछ दिनों पहले मेरी नीलामी करने की कोशिश कर रहे थे तो कालिया वो आया था मुझे खरीदने। मैंने उसे समझाया कि मुझे खरीदने का कोई फायदा नहीं, मैं पत्थर का हूँ। अरे मेरी तो ईंट से ईंट बजा दी उसने। तुम्हें पता है दूसरी बार जब नीलामी हुई तो कौन आया था? कौन? अर्चना पूरन सिंह। जब हमारी नीलामी शुरू हुई बोली लगने लगी 2 करोड़ 3 करोड़, तो कहने लगी माँ कसम इन मूर्तियों में इतना पैसा है, आटा मल के हमारे साथ खड़ी हो गई ऐसे। देखो इन लोगों में कोई भी इमोशनल नहीं है, आओ हम प्यार करें और हमारे छोटे छोटे कंकर होंगे। उन कंकरों का नाम होगा चिंटू पिंटू टिंटू और हम उनके होंगे मम्मी और पापा। हेलो 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 श्रुति डार्लिंग, हेलो हेलो श्रुति, मैं तेरा बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, नाक थोड़ा ऊपर करो, सैटेलाइट पकड़ लेगा नेटवर्क। हेलो हाँ हेलो, कैसे हो? जल्दी आ जाओ डार्लिंग, किधर है तुम? कितना रात देख रहा है मैं, 4 बज गए, किधर है? आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं इधर मस्त स्पॉट है, आ जाओ जल्दी। अरे मेरी हीरोइन आ रही है, अभी मैं इस मूर्तियों के सामने उनके पीछे जाके उनसे प्यार करूंगा। मेरी श्रुति के नाक से मैं खेलूंगा, उसके नाक को ऐसे देखूंगा और गाना गाऊंगा, नाक से तेरी नाक मिली तो मुझे बास आई, मुझे बास आई। यार सच्ची में इतना बास आ रहा है, मुझे बास किधर आई? अरे सच्ची में बहुत बास आ रही है, लगता है 3 साल बाद मुझे पानी से नहाना पड़ेगा। श्रुति जल्दी आ जाओ डार्लिंग, कितना रहा देखूं। मेरी डार्लिंग को खुश करने के लिए मैं क्या करूं? मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ, दांत से लिखूं? नहीं दांत से नहीं, खून आएगा। मैं लिखता हूँ श्रुति श्रुति लव सिद्धार्थ जादव की जादव जादव इधर लिखो जादव जादव जा लिख गया। डार्लिंग जल्दी आओ, तुम्हारे लिए नाम भी लिखा है मैंने। हेलो डार्लिंग किधर है? नहीं आ रही तुम, तुम्हें दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया है, मेरे को छोड़ दिया तुमने, ऐसा कैसे? अरे किधर सुंदर है तुम, क्या है क्या सुंदर है तुम? मैं बहुत हैंडसम है, तू सुंदर नहीं है? 5-5 लोगों का ऑक्सीजन एक साथ नाक से खुचने वाली तुम, जा भुला दिया तेरे को, मत आ मेरे लाइफ में। Why did you break my heart? Why did you go? पत्थरू अवे ये कैसे लोग हैं, एक पल में किसी का भी दिल तोड़ देते हैं। वैसे तो पत्थर के हम हैं, लेकिन इनकी फीलिंग्स एकदम पत्थर की है। पत्थरू मैं भगवान से कहती थी कि मुझे इंसान बनना है, लेकिन अब मैं भगवान से ये नहीं कहती कि मुझे इंसान बनना है। हे भगवान हम दोनों को हमेशा पत्थर ही रखना, ताकि हम प्यार में डूबे रहें और हमारे छोटे छोटे कंकरू हो, कंकरू। हाँ पत्थरू हाँ। जजेस इन दो अद्भुत स्टैचूज के बारे में आपका क्या कहना है? अरबाज जब ये एक्ट शुरू हुआ था तब ये जो कॉन्सेप्ट के ऊपर था कि आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एक्ट था, और बाकायदा इट लुक लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट। आपने ये जो मेकअप भी किया है ये भी बड़े अच्छे लग रहे थे,
Kikoo and Bharti, when I saw your makeup, I was expecting maybe something more out of your characters. But thoda sa aap logon ka jo character itna ubhar ke nahi aa paya for whatever reason. Slightly, I'm disappointed because mujhe aap logon se bahut zyada ummeed hai. To shayad is wajah se main thoda sa I would say ke was not that excited about the act. Thank you, Arbaaz. Archie? जब एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, अगर फीचर फिल्म की भी बात करो, तो अगर वो जल्दबाजी में बना दी जाए, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। ऐसा ही आपके एक्ट में कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया था, एक्टरों ने जो एलिमेंट्स पकड़े, वो बहुत खूब किए। जैसे कि कीकू आपका जो बिगिनिंग का जो स्टैंड था, तो मैंने उस टाइम सोचा, मैंने कहा, लेट्स नॉट मिस्टेक दैट यू पीपल आर जस्ट कॉमेडियंस, यू पीपल आर प्योर आर्टिस्ट। आप में वो कला है कि आपको जो भी दिया जाए आप उसमें कमाल कर सकते हो, लेकिन यू आर ह्यूमन, आपको जितना वक्त दिया जाएगा उसी के हिसाब से आप अपनी कला को और होन करके अपने कैरेक्टर को उभर के हमारे सामने ला पाएंगे। सो आई फील जो प्रॉमिस थी इस पूरे कॉन्सेप्ट में, द वे द कर्टन रोज एंड द वे भारती लुकिंग सुपर्ब एंड द कॉन्ट्रास्ट इज लाइक एबनी एंड आइवरी, तो हिस्टोरिकल थीम में इस कॉन्सेप्ट में आपका ये जो एक्ट था बहुत बढ़िया बैठा, लेकिन उतना उभर के नहीं आ पाया। लाइक आई सेड, अगर स्क्रिप्ट पर आप ज़्यादा नहीं बैठ सकते तो देन स्क्रिप्ट ही बैठ जाती है। बहुत अच्छा इससे और हो सकता था अगर आपको और वक्त मिलता। थैंक यू आर्जी। टाइम नाउ फॉर दिस कोर्स। तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट देंगे? अनफॉर्चुनेटली आई विल हैव टू गो विद व्हाट आई सॉ, बट यू थ्री वर वेरी नाइस। 8 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। अरबाज़, 8 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। भारती, सिद्धार्थ और कीकू के लिए जोरदार तालियां। राजाओं में जंग होती है, जो जीतता है उसकी जय जयकार होती है, लेकिन उस जंग में शामिल हुए घोड़ों पर क्या गुजरती है, ये क्या कभी किसी ने सोचा है? अपनी शादी छोड़कर जंग में आए एक घोड़े की व्यथा बताने आ रहे हैं कृष्णा एज घोड़ा, सुदेश एज राजा एंड सिद्धार्थ एज दुश्मन देश का राजा। क्या टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं। 4 बजे भारती को 8-8 नंबर मिले। चलो मैं 5 बजे कर रहा हूँ, मेरे तो 10-10 बनते हैं। खैर एवरीबॉडी, मैं हूँ घोड़ा, मैं बहुत ही फिल्मी घोड़ा हूँ, मैं कोई ऐसा घोड़ा नहीं हूँ। मेरी नानी ने अरबाज भाई की डैडी की पिक्चर में काम किया था, धन्नो मेरी नानी थी। फिर मेरे डैडी थे, उन्होंने अमित जी के साथ काम किया, मल टांगे वाला। मेरी जरा लॉन्चिंग खराब रही यार, मेरी पहली पिक्चर वीर थी, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भट्ट साहब ने बुलाया मेरे को, भट्ट साहब बोले मैं तुमको रीलॉन्च करूंगा। मैंने कहा सर इतनी मेहरबानी क्यों? कहते मैंने बड़े बड़े गधों को लॉन्च किया, तुम तो फिर भी घोड़े हो। मैंने सर को कहा सर जब बात आपकी हमारी चल रही है, बीच में राहुल क्यों ला रहे हो? फिर मैंने बोला भट्ट साहब आप मेरे को लॉन्च कर रहे, बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ये दवाई रखी है, क्योंकि खुजली करते रहते हैं वो। कहते दवाई खाने से खुजली दूर हो जाएगी? मैंने कहा नहीं, खुजली तो नहीं दूर होगी, पूंछ उग जाएगी आपको, हाथ फ्री रहेंगे, फिर मक्खी ऐसी भगाते रहना। खैर मैं अपने राजा के बारे में बता दूँ, राजा साहब के बारे में बहुत टाइम से काम करता हूँ इधर। राजा साहब जो है हमारे, मतलब इतने लड़ाकू आदमी नहीं, इतने लड़ाकू है अरबाज भाई, मतलब मैदान पर नहीं लड़ते, घर पे छोटी छोटी चीज, 2 मिनट चाय लेट आ गई बीबी से लड़ ली, बीएमसी का पानी लेट आया बीएमसी वालों से लड़ ली, बीएमसी वालों को तो बहुत मारा, लेकिन बीएमसी वाले बीबी थोड़ी है, बीएमसी वालों ने इनको बहुत मारा। खैर 26 साल की उम्र में 70 साल के दिखते हैं ये, क्योंकि 70-70 रानी है इनकी। अरे भाई सच्ची बताता हूँ, कितने भी काजू बादाम खा लो कमजोरी तो आई जाती है बॉस। एक नंबर के डरपोक हमारे राजा साहब, ऐसे फटू मैं बता नहीं सकता। अभी जंग छिड़ने वाली है, मेरे को अभी फोन आया था, अभी मैं बताने के लिए देखो क्या हालत होती उनकी। राजा साहब आते ही हिन हिनाना शुरू कर दिया तूने। राजा साहब आपको बताया कितनी प्रॉब्लम हो रही, दुश्मन सेना आक्रमण करने वाले हमारे ऊपर, सेना यहाँ पर आ रही है। तो जाओ उनको बोलो हम घर पे नहीं है। क्या उधार पैसे लिए थे क्या उन लोगों ने? जो घर पे नहीं बोलूंगा मैं, अरे वाट लगा डालेंगे वो लोग, कुछ तो सोचो कैसा राजा बना हुआ है यहाँ पर। तो ठीक है आज फिर बुलाओ उनको, हम लड़ने के मूड में हैं। लड़ने नहीं, मरने के मूड में, बोला फटने के मूड में आएंगे ना, फाड़ के रख देंगे। मैं तो बोलता हूँ टाइम देख के भाग चलते इधर से। राजा साहब
राजा साहब सुनो, माफी मांगो, खत्म करो। बकवास बंद करो। माफी और ये राजा, जब तक मेरे दम में दम है मैं पिटूंगा। जब मैं मरने लगूंगा तो माफी मांग लूंगा। और तुम शायद जानते नहीं, मेरे दादाजी 15-15 सैनिकों से अकेले लड़ते थे। अच्छा, लड़ाई में ना मारा भी जाता है, सिर्फ पिट के आते थे वो 15-15 सैनिकों से। अब तूने अगर मेरे भेद खोलने की कोशिश की। सुनो एक बात बता यार। बोलिए। कितने सैनिक है उनके पास? 2,00,000। कोई बात नहीं, हमारे पास कितने? 2,000। बार बार डराना तुम्हारे, डराना देगा। 2,000 है? हाँ। कोई बात नहीं, 2,000 बहुत होते हैं, मेरा एक एक सैनिक 10-10 के बराबर है। बिल्कुल, खा खा के ऐसे सांड लोगे ना, 10-10 के बराबर ही है। मेरे को कोई लेना नहीं, मैं आपके साथ लड़ाई पे नहीं जा सकता हूँ आज। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आज शाम को मेरी शादी होने वाली है। सुनो, तू मेरे साथ चलेगा और मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, तू मेरे साथ जाएगा। अरे कोई दूसरा घोड़ा ले जाओ। कहाँ ले जाऊँ, कोई मेरे पास घोड़ा है ही नहीं तेरे सिवा। तभी तो बोला शादी कर लेता हूँ, 15-15 दिन में नए नए घोड़े दूंगा आपको मैं। ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी तलवार तेज कर रहा हूँ। तलवार तेज मत करो, अपनी सलवार चेंज करो आप। पिछली बार डायपर पहनना भूल गए थे, मालूम है कितनी प्रॉब्लम हुई थी? सारे सैनिक आपके इधर आपस में लड़ रहे थे और आप साइड में बैठ के तमाशा छोड़ रहे थे। कभी इधर छोड़ते थे, कभी इधर छोड़ते थे, कभी इधर। बकवास मत कर, आज मैं पूरा गुस्से में हूँ, आज मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ईंट से ईंट बजाओगे? याद है पिछली बार मैंने उनको क्या कहा था? मैंने कहा था जब दुश्मन घेर लेंगे ना तो एक सीटी बजा देना, वो तो बजा नहीं पाया, ईंट से ईंट बजाएगा ये। सुना मेरी बात, वो मेरी वाइफ का कसूर है। जब मैं जंग लड़ने गया उसने मुझे प्रेशर कुकर नहीं दिया, मैं सीटी कैसे बजाता? मेरे मुंह से सीटी बजानी नहीं होती। मुंह से नहीं बजाते, तमाशे जो छोड़ते रहते हो वहीं से बजा देते एक आध सीटी। तू बकवास कर रहा है बार बार, हमारा शो 9 बजे आता है, रात को रोटी खानी होती, तू तमाशे की बात कर रहा है बार बार। महाराज दुश्मन सैनिक आ रहे। अरे तो डरता भी तो मैं हूँ। बाहर निकल आज साले कायर, बाहर निकल। तेरे को आज मैं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा, नहीं तो ऐसे तलवार तेरे पेट में घुसड़ूंगा, साले सेप्टिक से मरेगा तू। सच बोल, बाहर निकल। बाहर निकल, बाहर निकल। धोती निकल जाएगी। किस रानी के पल्लू में छुप कर बैठा है? ये क्या बकवास कर रहा है? रानी का पल्लू, रानी का पल्लू, कहीं मुझे आदित्य को नहीं समझ रहा है? हमने क्या लेना देना रानी से, हमें तो दीपिका पसंद है। अरे आपकी रानी की बात कर रहा है वो महाराज, क्या बकवास कर रहे हो आप? मेरी रानी की? हाँ। मुझे लगता है इस राजा ने ना शराब पी हुई है और मैं आज नहीं लड़ना, मैंने ना नाम लिया हुआ है, मैं वेजिटेरियन, इसको बोलो कल लड़ेंगे यहाँ। ये पागल हो गया आज। बाहर निकाल। साफ बोल, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे घोड़ा हूं मैं, साफ क्या बोलूंगा। अच्छा महाराज की तबीयत थोड़ी खराब है तो ये जंग थोड़ा कल खेल सकते हैं। अच्छा, कल तबीयत खराब हुई तो परसों खेल लेंगे। अच्छा परसों खराब हुई तो तरसों खेल लेंगे। अच्छा तरसों हुई तो बाद में खेल लेंगे। अच्छा बाद में हुई तो कैसा महाराज, अब बहाने बना रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? बहाने समझ में नहीं आते? बोला महाराज को 107 पुकारे, जगह जगह तमाशा छोड़ रहे, वो तमाशा खेल रहे। तमाशा? हाँ। क्या होता तमाशा? दिखाऊं? सूंघ के मर जाएगा साले, छोड़े ने। तमाशा वो जब घबराहट होती है जैसा तमाशा निकल जाता है। उसको बाहर निकाल, बाहर निकाल। लगता मेरे गुस्सा आ गया ना, मैं तेरे ऐसे जी करता पांव पकड़ के ना माफी मांग। लगता तू आज ना मुझे मार के छोड़ेगा। बाहर तू ना, इसने मेरी इसने इसने मेरी बीवी को छेड़ा है, इसने पिछले पिछले साल इसने मेरी बीवी को छेड़ा है। कभी छेड़ा है? पिछले साल। तो तू इतना बड़ा
तू वहां में मरे कौए के पंख पिछले साल छेड़ा, आज इसको मारने के लिए आया तेरे पागल। पिछले साल में वेट करता रहा साला, अब आएगा दोबारा छेड़ने, आया नहीं। मैं तो कब से साला नंगे हाथ तिरंगे हाथ पकड़ने को फिर रहा हूँ। तू साले 70-70 बीबियां चैन नहीं तेरे को। हाँ, मैं घोड़ा होके 10-10 नहीं संभाल पा रहा हूँ। 70-70 बीबियां इसकी बीबी छेड़ रहा है तू। अब इसने मेरी बीबी को छेड़ा, बीबी को छेड़ा इसने मेरी। तेरी बीवी को मैंने छेड़ा है तो अपने जीजा के दरबार क्यों साफ कर रहा है बार बार तू है? अब तू मेरे तीर से बच, अब तू मेरे तीर से बच। अच्छा साले, अगर मेरे को बचाना ही है तो मेरे को मारने क्यों आया यार, ये पागल है। बकवास बंद कर, आज मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। अच्छा यस ठीक है, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मुझे मारने से पहले तुझे मेरे घोड़े की लाश से गुजरना होगा। आ। ये? मेरी लाश से क्यों? मेरी शादी होने वाली, बोला ना आज शाम को। I'm sorry. कमाल है महाराज, क्या कर रहे हो, बहादुरी से लड़ो। और तू मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, बहादुरी कभी कहता है इससे लड़ो, कभी कहता है बहादुरी से लड़ो। बहादुरी अब बचन हो चुकी है, हम उनकी इज्जत करते हैं। अरे यार मेरा मतलब है बहादुर महाराज हो, कमाल करते हो, लड़ो। 15 मिनट में मैं लाश लेने आऊंगा तुम्हारी। मेरे को इतना कायर समझे, बंद आधे घंटे तक आओ, इतना मैं निकाल लेता हूँ टाइम। आओ भाई, इससे लड़ेगा तू? तीर है और है, तीर और यही है। मैं ये नहीं, अपनी अपनी पसंद होती है, जिसने खाना है वो अपना देखेगा। ये ठीक है, अनार के जूस वाला। किसी को मारा तो नहीं, जूठा तो नहीं ना? अब इधर आ जा, एक मिनट। अब लड़ना पहले थोड़ा फर्श साफ करो, साफ करो। महाराज बस एक मिनट, अब तू लड़, पहले लड़ तू। एक बार फिर साफ कर कर। अबे बस महाराज, इसको थका थका के मार दो। आप भी अपने कर्तव्य दिखाइए। ठीक है, अपने कर्तव्य दिखाइए महाराज। समझो मैं गिर गया हूं, मैं घुटने टेक रहा हूं। किधर? बस इसमें कोई लाफ्टर नहीं आता बेटे मारने में। हम यही बताना चाहते हैं, ये खो एक जानवर मर गया, ये मैसेज है जानवरों को मत मारो। और वैसे भी जब मेन हीरो ही मर गया है तो जूनियर कलाकार अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो करना चाहिए, करिए सर, जो देना है दे दो। अर्चना, let's start with you. What do you say about this performance? इस एक्ट में इतना धमाल था, इतना कमाल था ये एक्ट। सुदेश जी आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया, क्या राजा? और आपने, आप जो ये आपका अंदाज है, ये बोलते बोलते पलटी खा जाते हो आप, दैट वर्क्स इन सम कैरेक्टर्स। कृष्णा आपका स्टैंड अप आज उतना नहीं, लेकिन जो आप कर रहे थे पूरे एक्ट में आपका स्टैंड अप था। और छोटे सिद्धार्थ, कौन सी गोली खा के आते हो, वो साफ क्या कर रहे थे तुम फर्श को, व्हाट वाज दैट डांस? आई थिंक योर राजा का कैरेक्टर वॉज अमेजिंग राइट फ्रॉम द टाइम यू एंटर्ड। आई लाफ थ्रू आउट, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली एंजॉयबल, लवेबल, एडोरेबल। अरबाज आपको कैसे लगे ये न्यूरोटिक से राजा? आप लोग जब एक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि एवरीबॉडी एंजॉयज द एक्ट, बट कभी कभी ऐसा होता है कि द कॉन्सेंट्रेशन इसके लोगों को कैसा पसंद आएगा। बट वेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग द एक्ट योर सेल्फ, आज आप लोगों का एक्ट देख के ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को खुद को बहुत मजा आ रहा था ये एक्ट करते वक्त। एंड वो जो फीलिंग थी, वो उसका वाइब्रेशन हमारी तरफ भी आ रहा था। आई वॉज रियली इन्जॉइंग सुदेश जी, जैसे कि वो जो आपका केक थ्रेटन करके अपने आप को वीक दिखाना, कृष्णा द स्टैंड अप यू डन बेटर, वेन एवर यू डन द इनिशियल पार्ट ऑफ इट यू डन बेटर, बट बाकी का पूरा पोर्शन
was very well coordinated, very well done, very funny. And Siddharth, very well done. वो पूरा जो आपका वो जो ब्रेक डांस का जो स्टेप है वो बड़ा फनी था. एक एक ऐसा मोमेंट था कि शायद एक्सीडेंटली आप गिर गए थे. वो उसको आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया. लाइक आई सेड, इट लुक लाइक एन एक्ट. जहाँ पर जब आप लोगों ने जितना एंजॉय किया ना, दैट एनर्जी वॉज लाइक वॉज फैंटास्टिक टू वॉच. एंड वेरी वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड. टाइम नाउ फॉर द स्कोर्स. तो अरबाज, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 9 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज. Archie? 10 for you. 10 for you, Siddharth. And 10 for you, Sudesh. 10 points from Archie. Ek bar Krishna, Sudesh aur Siddharth ke liye zordar taaliyan. Indian television par pehli bar do act judenge ek saath. Krishna, Sudesh, Siddharth ki kahani mein shaheed huye ghode ki patni लेने आ रही है बदला. प्रेजेंटिंग घोड़ी का बदला पार्ट टू. स्टारिंग पूर्वी एज घोड़ी, मंत्रा एज राजा का बेटा एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स. मार डाला मेरे घोड़े स्वामी को, मार डाला. आज हमारी डेब्यू सुहागरात थी. मैंने कहा था ना कि युद्ध में मत जाओ. मैंने कहा था ना गड़बड़ होगी. मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ होने वाला. मैंने कहा था ना मार डाला मेरे घोड़े को, मार डाला. लेकिन आज ये घोड़ी पुत्री धन्नो ये रणभूमि पे प्रतिज्ञा लेती है कि जिसने मेरे घोड़े को मारा है वो राजा और राज्य दोनों को मैं खून से लथपथ कर दूंगी. लेती हूँ शपथ. अग्निपथ, अग्निपथ. How can the party be without the big B? नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका इस 4 बजे की शूट पर. जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, जो सुबह 4 बजे उठता है भाई वो जिंदगी में तरक्की करता है. इस हिसाब से कॉमेडी सर्कस वालों से ज्यादा तरक्की कोई नहीं कर रहा भाई. बहुत अच्छी बात है, करते रहिए. और भाई आप कौन है? रिश्ते में तो हम सभी एक्टरों के बाप होते हैं. नाम है शहंशाह. आपकी तारीफ. ओवर एक्टिंग में तो हम सबकी माँ लगती है. नाम है घोड़ी धन्नो. देख रही है अर्चना जी, आज घोड़ी का किरदार कर रही है. मुंह पर लगाम भी लगी हुई है लेकिन जबान कांचे की तरह चल रही है. Come on, हम यहाँ पे लड़ने आए हैं. तुम कौन हो जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? कैसी बात कर रहे भाई? अरे यहाँ हमें 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 पहचान थी. अरे भाई हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी और को बुलाना पड़ेगा. मुंशी जी, मुंशी हमारे मुंशी जी. मुंशी जी, अगर आपका गैस जल गया हो तो इनसे हमारा इंट्रोडक्शन कराइए. देखिए आप इन्हें नहीं जानती, ये वो हैं जो यहाँ खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है. आज इनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, लेकिन माँ नहीं है. ये हमारे राजा की इंजॉयमेंट का सामान है, हमारे विक्की बाबू. अच्छा तो वो तू है. तेरे बाप ने मेरे घोड़े को मार डाला. मैंने उनसे कहा था कि युद्ध में मत जाओ, लेकिन सुबह होते ही गुड़गांव से दूसरे घोड़े के साथ हाथ में घोड़ा लेके वो गुड़ बंदर चले गए. तब से मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है. हे भगवान, क्या घोड़ कलयुग है. अब मेरा क्या होगा, मेरी जवानी का क्या होगा? कि घोड़ी कैसी जवानी है जो बात सुने ना मेरी, कि घोड़ी कैसी जवानी है जो बात सुने ना मेरी. भाई मुझे तो लगता है इनको कुछ ज्यादा ही गर्मी चल रही है. मेरे ख्याल से आपको मेरा फेवरेट प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, न्यू रतन तेल. ठंडा ठंडा, कूल कूल. और अगर उससे भी काम ना चले तो ठंडा पानी पी लीजिएगा. पानी से याद आया, यू ऑनली ड्रिंक रेन प्योरिफाइड वाटर. देखिए वाटर, ये जो घोड़ा कुल है यहाँ पर कुछ नियम है, कुछ उसूल है, अनुशासन है, प्रशासन है, अनुष्का है. मेरा मतलब अनुशासन है, अनुशासन है. मैं तुम्हारे घोड़ा कुल में मोहब्बत ही मोहब्बत फैला दूंगी. एक घोड़ी थी दीवानी सी, एक घोड़े पर वो मरती थी. और चोरी चोरी चुपके चुपके घोड़े से वो कहती थी कि घोड़ा आई लव यू. बस अब बात हो गया, जा जाके अपने बाप को बुला जिसने मेरे घोड़े को मार डाला. आज उसे उसके मौत का जवाब देना होगा. मैडम, हमारे बाप ने तो हमारी जिंदगी का कभी जवाब नहीं दिया.
आपकी मौत का क्या जवाब देंगे? आपको मालूम है जब मैं पैदा हुआ तब मैं इतना सा था। इतने बड़े? हमारे विक्की बाबू इससे छोटे कभी हुए ही नहीं। मुंशी जी, आप सुई में धागा डालना बंद करेंगे प्लीज। मैं कह रहा था जब मैं छोटा था किसी ने मेरी सूत तक नहीं ली। अरे क्या सूत सूत, अरे सुहागरा तो मेरी थी। हा? मेरे स्वामी मुझे छोड़ के चले गए। आई मिस यू घोड़ा, आई मिस यू। अरे जिस घोड़े की तू बात कर रही है ना, अरे बहुत ही अश्लील घोड़ा है। अरे इसने तो कॉमेडी सर्कस के किसी भी घोड़ी को नहीं छोड़ा भाई। अबे घोड़ी छोड़ गधी को भी नहीं छोड़ा भाई। मेरा घोड़ा कितना प्यारा था, मैं बहुत प्यार करती थी उनसे। कहाँ चले गए मेरे घोड़े? अरे कैसी बात कर रहे हैं मुंशी जी, आप क्या बताने आए थे ये बताइए। मैं ये बताने आया था कि दुश्मन देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, दुश्मन दरवाजे पर खड़ा है। अरे तो उसको दो वड़ा पाव टिकाओ और निकालो वहाँ से। देखिए वो दुश्मन है अर्चना पूरन सिंह नहीं, जो दो वड़ा पाव में सटक जाएगी। साले। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, जैसे आपकी बहादुरी मैं आपके भागने का इंतजाम करता हूँ। तुम घोड़ी के सामने भी ऐसी उल्टी सीधी अश्लील हरकतें करो। जज भी बोलेंगे आहा। अरे अब मैं क्या करूं भाई, अरे दुश्मन देश ले, अब तो मुझे यहाँ से भाग निकल। अरे घोड़ी कैसी हैं आप? मैं ये कह रहा था कि अगर आपको आपत्ति ना हो तो इस विपत्ति से आप मुझे निकाल सकती हैं, हमारी बुझती मोमबत्ती को आप बचा सकती हैं, हम आपको हरी हरी पत्ती से लबालब कर देंगे। अरे पति तो मेरा मर गया है। मेरी बात मान, एक बार मेरी मदद कर दे प्लीज। मदद? देखो तुम्हारे घोड़े की हमने जान ली। हाँ। हमारे बाप दादा ने जान ली। हाँ। तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि हमारी मदद करो। देखिए आप कब से बच्चन बच्चन कर, एक तो आप सीधे खड़े रहिए, अब ऐसे ऐसे करते हैं मुझे लगता है मुझे चने दे रहे हैं। हाँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, एक राइन ईर, एक राइन बीर, एक राइन फत्ते, एक राइन हम। ईर गए चलो चिड़िया मार आई, बीर गए चलो चिड़िया मार आई, फत्ते गए चलो चिड़िया मार आई, हम गए चलो हमाओ चिड़िया मार आई। क्या? देखिए दो किस्म के कीड़े होते हैं, एक गंदी नाली का कीड़ा होता है, एक अच्छी नाली का कीड़ा होता है और एक एक्टिंग का कीड़ा होता है जो तुम में ठूस ठूस के भरा हुआ है ना। मैं कहती हूँ तीन चार बच्चन और कर लो, सारे बच्चन हम करके कर ही रहे हो। भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आज यहां पे महासंग्राम होगा। आप शायद थोड़ा लेट हो गए महाराजा साहब, महासंग्राम तो चार सीजन पहले ही खत्म हो गया और उसकी एंकर हमारी घोड़ी थी, आपको याद है? फालतू बातें मत कीजिए, मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क रही है। ओह यू मीन एसिडिटी, अरे इसके लिए आप इमो लीजिए, इमो दर्द भगाए चुटकी में। हाय महाराज, ये बताइए कि आप इनके पर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं? यस आप लेडीज आपको बताते हैं, इनके पिताजी ने हमारी माताजी को छेड़ा था। क्या? मैं तो कहती हूँ लीजिए तलवार और इनका सर धड़ से अलग कर दीजिए। चलिए। नहीं इतनी भी बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली जब से इनके पिताजी ने हमारी माताजी को छेड़ा है वो बेचारी छिड़ी छिड़ाई मोहल्ले में घूम रही है। हमें तो बस एक बात का डर है कि कहीं हमें सरप्राइज में भाई ना मिल जाए। ओह यू मीन टू से दो भाई? हाँ तो आप कौन सी वाली मदर के भाई है, छिड़ी हुई या बिछड़ी हुई? क्या बकवास कर रहे हो? I'm just asking what's your mommy's name? अरे हमारी मम्मी का नाम था चुन्नी देवी। अरे what a coincidence, हमारी मम्मी का नाम भी था चुन्नी देवी। अरे हमको तो बचपन में वड़ा वड़ा कह के बुलाते हैं। वड़ा? हाँ मेंदू मेंदू वड़ा मेंदू वड़ा मेंदू वड़ा मेंदू। ये दोनों तो भाई निकले, अब मेरे घोड़े की मौत का बदला कौन लेगा? कौन लेगा ये बदला? नहीं, नहीं। कौन हो सकता है, कहाँ है कोई तो होगा। कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं आएगा। अरे सभी आया यार। एक घोड़ी थी एक घोड़ा था, क्या उम्र क्या कमर क्या हिन हिनाना था। एक घोड़ी थी एक चारा घर में मिले, चारा चरने लगे, पीर चुम्मी हुई और मैं मम्मी हुई।
घोड़ी लल्लन टॉप थी, लकड़ी लॉली पॉप थी, पूछ पे उसके बाल थे, पाँव में उसके नाल थे। ए, बस करो, अब और गाया नहीं जाता रात को। बस, और उसके बाद ये दो दुश्मनों ने बाण मार दिए। मैंने कितनी बार कहा कि चलाओ ना नैनों से बाण रे, फिर भी कितनी बार कहा है जब मैं स्टेज पे आया करूं इसको मेरे बाजू में मत रखा करो, मत रखा करो। चलो आ ही गया तो तुम्हें कहां बिठाएं, ऐसा करो मेरी तलवार पे बैठ जाओ। साले हट। ये आप लोग सोच रहे होंगे मैं वापस कैसे आ गया। एक्चुअली हाँ। अरबाज भाई मैं मरा नहीं था, हाँ। मैं बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था क्योंकि मेरी सुहागरात रह गई थी। ऊपर से मैं कितना भी घोड़ा बन जाऊं अंदर से तो मैं कृष्णा ही हूं, सुहागरात मना कैसे छोड़ेगा। बहुत बढ़िया, ले गया, आप ही ले जाओ। आ जाओ बे। तो जजेस कैसा लगा आपको घोड़ी का बदला पार्ट टू? हाँ, अभी एक्ट्स में भी सीक्वल्स बनने लगे। कहते हैं कि सीक्वल पहले वाले से इतना अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन आपका सीक्वल और हमारा सीक्वल दोनों क्या बात। इट हैड दोज प्रॉपर फुल एलिमेंट्स, लाइक आई सेड, एक बाकायदा एक अच्छे एक्ट की एक अच्छे सीक्वल की प्रिपरेशन थी, एंड इट वॉज वेरी वेरी एंजॉयबल, वेरी वेल डन। थैंक यू अरबाज। आई थिंक एज एन एक्ट उतना नहीं मेरे लिए कामयाब रहा, लेकिन इंडिविजुअली आपने इतना बढ़िया किया राजीव, वेरी नाइसली डन, और बहुत बहुत ठहराव के साथ, बहुत आराम से आप खड़े रहे, जब आपकी बारी आए तो आपने आहा से यू मेड एन इम्पैक्ट। थैंक यू मैम। पूर्वी यू आर वेरी क्यूट एज घोड़ी, आई मीन आई डोंट नो व्हाट यू वर, मोमेंट्स यू क्रिएटेड ऑन स्टेज वेरी वेरी इफेक्टिव, बट आई थॉट मंत्रा यू आर फैबुलस, अ बच्चनेस्क नेस जो आपने दिखाई, वेरी वेरी वेल रिटन एंड थॉट अबाउट एंड परफॉर्म्ड। एंड देन घोड़ा जी, हमारे रिटर्न ऑफ द सुपर हीरो, रिटर्न ऑफ द हीरो, सॉरी कृष्णा, आपकी रिटर्न ऑफ द हॉर्समैन, आपकी एंट्री, सरप्राइज पैकेट, गेस्ट एलिमेंट है आप, सो इट वॉज इंडिविजुअल टैलेंट विच बिल्ट दिस एक्ट एंड मेड इट वॉचेबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्ची। अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? 9 पॉइंट्स। अरबाज, 9 पॉइंट्स फ्रॉम अरबाज। एक बार मंत्रा, पूर्वी, राजीव और कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। ताजमहल बनाकर एक शहंशाह ने बाकी राजाओं की लगा दी है वाट, हर बेगम को चाहिए अब एक प्रेम महल, राजाओं की तो खड़ी हो गई है खाट, अपनी रानी के लिए एक प्रेम महल बनवाने में राजा की क्या हालत होती है, ये दिखाने आ रहे हैं कपिल एज मजदूर, श्वेता एज रानी एंड मुबीन एज राजा। नमस्कार, पहचाना मुझे? कौन पहचानता सुबह 6 बजे, कौन किसको अपना अपना। मैडम मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने बड़े बड़े घर बनाए हैं, मैं मजदूरों को कॉन्ट्रैक्टर हूँ, हम लोग घर बनाते हैं, ठेका लेते हैं, मैंने इन भाई साहब का भी घर बनाया था, इनका बाथरूम बनाया, इन्होंने दरवाजा नहीं बनाया, मैंने कहा दरवाजा क्यों नहीं बना रहे, कहते भाई दरवाजा नहीं बनाना, छेद में से लोग देख लेते हैं। इन्होंने घर में छोटी छोटी मुर्गियां रखी थी, एक मुर्गी ने इनको नहाते हुए देख लिया, सेम टाइम पे वो अंडा दे रही थी, अंडा रिवर्स मार गई वो, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती कभी कभी। वैसे अरबाज भाई, मैं शुरू से कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, सेम लाइक जैसे अरबाज भाई पहले एक्टर थे फिर डायरेक्टर बने, जैसे अपना निकुल आज, जैसे पहले स्पॉट बॉय था जैसे आज डायरेक्टर बन गया, कोई टाइम था मैडम के कमरे में जाता था कि मैडम आपका जूस आ गया है, कहो तो ले आऊं, और आज उसकी हिम्मत देखो, मैडम आपका शॉट रेडी, सेट पे चलिए, आपका जूस पीछे ले आऊंगा। खैर मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे खानदान में सभी मजदूर थे, मेरे पिताजी, एक्चुअली माँ के पेट से कोई मजदूर नहीं होता क्योंकि हथौड़ा या छैनी जो है बाहर आके मिलते हैं, सो मैं भी मजदूर बन गया। हमारे जो पिताजी थे खानदानी मजदूर हैं हम लोग, उनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन फिर भी वो टाइम पे ईंट पकड़ के मिस्त्री को दे आते थे, दोनों हाथ तो थे नहीं, उनका एक तकनीक बड़ी अच्छी मुझे लगी, दूसरे वाले मजदूर को गाली निकालते थे खड़ी होकर गंदी वाली, तो वो ईंट मारता था, ये साइड पे हो जाते थे, ईंट पहुंच जाती थी वहां पे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे उन्होंने गाली निकाली, उसने ईंट मारी, ये पीछे हो गए, उस दिन उसका निशाना चूक गया और लगा वहां जाके जहां मेरा छोटा भाई था, उस
उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने मजदूर बनना ही नहीं, मैं सीधा कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा। आज मुझे एक महारानी ने बुलाया है, शायद मेरे से महल बनवाना चाहते हैं। यकू, एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से महाराज कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम है महाराज। तो आराम से बात करो, इतना भड़क क्यों रहे हो? एक तो मम्मी की फ्राक पहन के घूम रहे हो, ऊपर से मेरे पे भड़क रहे हैं आप। ना मकुल, तुम हमारी तोहिन कर रहे हो। अरे भाई, हम महाराज है और ये हमारी खानदानी पोशाक है। खानदानी पोशाक? खानदानी पोशाक तो आपने पहली, बाकी खानदान तो हाथ की फ्रेंची बना के घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? बकवास बंद करो, कौन हो तुम इतने हैंडसम से? ओह सॉरी मैडम, मैं अपनी तारीफ करना भूल गया, मैं सेल्फ कॉन्ट्रैक्टर, मैं महल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। ओ तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? जी जी जी। आइए आइए। एक मिनट, कौन सा महल, कैसा महल, काय का महल महारानी? महाराज, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, आप नहीं बनाएंगे? अरे भाई, हम क्यों मुमताज के लिए महल बनाएंगे? जिसने खाना खाया वो बिल भरे। महाराज, हम अपनी बात कर रहे थे, आपने मेरे हाथ का तो खाना खाया है ना, आप मेरे लिए ताजमहल नहीं बनाएंगे? बनाएंगे बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, लेकिन पहले आप मरिए तो सही। महाराज, शायद आप भूल रहे हैं कि उस रात आपने हमसे वादा किया था कि हमारे जीते जी आप हमारे लिए ताजमहल बनाएंगे। कौन सा वादा, कैसा वादा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो वादा छोड़ दीजिए मैडम, वो जल्दबाजी में हो जाते हैं, उन वादों को पूरा पूरा करने का कोई मतलब नहीं होता, वो तो आदमी वैसे ही कर देता है, चलो कोई नहीं मान लो बात इसकी, वो नहीं पूरे होते। इसका मतलब आपने हमसे झूठ कहा, आप हमारे लिए ताजमहल नहीं बनाएंगे? बनवा ले लीजिए महाराज, क्यों कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए, आप महल छोड़िए, गोली मारिए, आप होटल बनवा दीजिए। महल को देखने कौन आएगा? याद, महल को देखने आएगा आशिक, याद करेंगे, होटल बनवाएंगे, लोग आएंगे, यादें साथ लेके जाएंगे, फिर यादें जब बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बेड पे सुसु करती ना, फिर आदमी कहता है यादें बड़ा तंग करती हैं, तो आप होटल बनवा लीजिए। नहीं, हमें ताजमहल ही पसंद है, हमें ताजमहल ही चाहिए, और आप हमारे लिए ताजमहल बनवाएंगे? ठीक है महारानी, अरे आपके लिए तो हम अपनी जान दे सकते हैं, ताजमहल क्या चीज है, बनवा दिया यक्कू। सच, हमें पता था कि आप मुझे मना कर ही नहीं सकते। और तुम आम इंसान, तुम बताओ क्या लोगे? महाराज सामने खड़े हैं तो कॉफी ले लेंगे। दासी, ये मुझे आपकी चीज बड़ी अच्छी लगी, कमाल की बात है, कमाल की आपने, ये जो आपने अप्रिशिएट किया ना, हमारा एक्ट खत्म भी हो जाए फिर भी ताली नहीं बजाता कोई। आप लोग इतने बड़े लोग हैं, कितना मान सम्मान देते अपने नौकरों को भी, उसको बुलाने से पहले ही ताली और स्टैंडिंग मिशन, वो वाह क्या बात है, वाह बहुत बहुत अच्छा करती हैं आप, वाह बहुत अच्छा करती हैं आप। भाई ये बताओ कि तुमने महल बनाने से पहले क्या किया है? मैंने बड़े काम किए सर, मैं पहले सिद्धार्थ यादव का ड्राइवर था। एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे से गाड़ी ठुक गई, लोग आए उन्होंने बाहर निकाल के बहुत पीटा सिद्धार्थ यादव को, कहते मालिक गाड़ी चला रहा तू साले पीछे बैठा है। होता है डार्लिंग, हमने तो पहले ही कहा था ये कोई ड्राइवर ड्राइवर है, भाई देखो इससे महल नहीं बनेगा। हम जानते हैं आप बहाना ढूंढ रहे हैं हमारा ताजमहल नहीं बनवाने का। अरे तो क्या करें, हम तो सिर्फ नाम के महाराज हैं, अरे घोड़े भी हमारे भूखे मर रहे हैं, हमने कुछ 4 महीने से चने नहीं खाए, और तो और हमारा वो छोटा भाई, हमने सोचा था बड़ा हकुर कोई बड़ा काम करेगा, अरे भाई खुसरा बना घूम रहा है वो, और तो और हमारे पिताजी के घुटनों की कटोरी में पानी भर गया है, रात में चमक चमक के उठ जाते हैं, पानी पानी चिल्लाते हैं, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, घुटने के पानी की वजह से चिल्ला रहे कि पीने के पानी की वजह से चिल्ला रहे हैं, उनकी एक आग भी पत्थर की है, टीवी देखते आग निकल के टीवी को लग जाती है, टीवी फूट जाती है, और तो और उनका एक हाथ भी लकड़ी का है, सुबह सुबह टॉयलेट जाते हैं हाथ टूट के नीचे गिर जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं हाथ धोके लगाए या धोके हाथ लगाए। और आपको महल की पड़ी है, चलो ठीक है बनवा देते हैं। सुनो मिस्त्री, एक काम करो 500 अशरफियों में बना दो। क्या 500 अशरफियों में बना दो? 500 अशरफियों में? हाँ? एक काम करो, मैं आपको 700 देता हूँ, आप अपने लिए ड्रेस बनवाइए, अपनी भुआ का ना घाघरा वापस करें उसको जो पहन के घूम रहे आप। बड़े यार 500 रुपए दूंगा, 500 रुपए महल बनता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है महल बनने में। अरे भाई लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है बाबू। तो एक काम करो, आप प्लास्टिक का महल बना लो, आप बड़ा सही रहोगे, मैं कहता हूँ कल को कोई कमी रह जाती है, कोई कसर रह जाती है, कोई गुंबद बड़ा छोटा रह जाता है, प्लास्टिक सर्जरी आप बड़ा कर सकते हो। अच्छा, ये फैसिलिटी सिर्फ गुंबद के लिए? नहीं, मीनार वगैरह के लिए कुछ है? हमें प्लास्टिक पसंद नहीं है,
हमें महल पत्थर का ही चाहिए। मैं कहता हूँ मैडम महल तो पत्थर का बना बनाओ, हाथी घोड़े जो रखेंगे वो भी पत्थर के बनाए आप। हाथी घोड़े पत्थर के क्यों? जो असली होते हैं ना वो कंट्रोल में नहीं रहते, ये हाथी घोड़े पत्थर के, इनको एक जगह खड़े रहोगे खड़े रहेंगे, नहीं तो आप देख लो ये विपुल ने हाथी घोड़े भर्ती किए आज जज बन के लाखों मांग रहे। ये तो फिर भी हाथी घोड़े जज है, इनका बनता है, एक गधा ट्रैक्टर रखा वो ही कितना मुंह भर रहा है आजकल। और मेरे को बात बताइए महल कौन से रंग का चाहिए आपको? अब भाई देखिए महल का कलर जो हो बाहर से हरा हरा हो और अंदर से लाल लाल। तो एक काम कर तरबूज मंगा ले साले, सस्ता भी रहता है और गर्मी में ठंडा भी रहता है। मेरा दिमाग मत का, ये क्या कर रही है? महाराज खबरदार जो आपने बीच में बोला तो मैं आपकी मैक्सी फाड़ दूंगी। तुम बताओ तुम कैसा महल बनाओगे? हम लोग बड़ा अच्छा महल बनाएंगे मैडम, देखिए ये रहा मेरा नक्शा। नक्शे के हिसाब से हम लोग पहले किड्स रूम बनाएंगे आपके बेडरूम के आसपास। किड्स रूम क्या होता है यार? किड्स रूम क्या होता है? बच्चे होते हैं आपके बेडरूम के पास बनाएंगे ताकि आपको आवाजें आती रहे और आपको ध्यान रहे कि आपके बच्चे हैं, आप सो जाओ। अरे भाई वो सब छोड़ो, ये बताओ स्विमिंग पूल कहाँ बनाओगे? स्विमिंग पूल सर हम दो तरीके के स्विमिंग पूल बनाएंगे, एक बनाएंगे प्लेन एक बनाएंगे स्पेशल। जो प्लेन होएगा उसमें आपने अकेले नहाना हो, जब आपका दिल करे कि कपल बाथ लेना है, बबल बाथ जो बुलबुले वाला, तो हमारे 12 बंदे रहेंगे स्विमिंग पूल के बाहर ऐसे पानी में सर्फ घोल के ऐसे बुलबुले निकालते रहेंगे। उसके दो फायदे हैं, एक फायदा ये आपका बबल बात हो जाएगा, दूसरा ये कि कभी महाराज को गैस हो तो पता नहीं चलेगा कि वो इज द ऑनर ऑफ द मेन बुलबुला। और ये बताओ कि हमारे महल में एंटरटेनमेंट का क्या साधन होगा? एंटरटेनमेंट का पूरा साधन रहेगा, नर्तकियां रहेंगी वहां पे नाचने वाली, सिंगर रहेंगे वहां पे गाने वाले। वाह वाह बेटा मिमिक्री का कोई स्कोप है? मिमिक्री के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है, हमने ऐसे दो दीवारें बनानी शुरू भी कर दी है। एक इधर बनाएंगे, जितना आर्टिस्ट वेरिएशन देगा मिमिक्री वाला उतनी वेरिएशन से मार डालेंगे उसको। पीछे में एक पाइप रहेगा लोहे का जिसमें से गर्म पानी निकलेगा, उसमें जब हम गर्म पानी छोड़ेंगे तो जितनी मिमिक्री करेगा उबली हुई मिमिक्री निकलेगी, उबला हुआ नाना पाटकर, उबला हुआ ओम प्रकाश। उस साले को पता लगना चाहिए मिमिक्री करते कैसे। हाँ ठीक है डरा क्यों रहे हो? अरे भाई हम महाराज हैं, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट थोड़ी है जो नाना करते फिरेंगे, कदी संबर वन कदी संबर टू, जा दिन था झाला फीवर शुरू नाना। महाराणी ये बहाने बहाने से मिमिक्री कर रहा है, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको मैं छुरा मारता हूँ। बेटे जीवन की जान लगी तुमने। ओम लगता जीवन के लग गया। ओ मत रो कुंती मत रो, अब तो मैं गया। राजेश खन्ना। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा इसने तो मेरी जान ले ली रे। इसको मारता हूँ साले, इसका इमरान हाशमी काटता हूँ पहले मैं। तुमने महाराज को मार डाला? आई एम सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं बस कंफर्म कर रही थी, ठीक किया, वैसे भी इतना कंजूस था महल बनाने को तैयार ही नहीं था, अब हम इसकी याद में महल बनाएंगे। अकड़ देखो साले की, मर गया फिर भी अकड़ के बैठा हुआ है। एक काम करें महाराज, इसकी याद में कोई महल ना बनाए आप, कौन देखने आएगा इसकी याद में महल? इसकी याद में कोई ऐसी चीज बनाए जिसमें लोग आए लेकिन मजबूरी से, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक टॉयलेट। चार लोग आए अंदर बैठे 5 मिनट इसको श्रद्धांजलि देके जाएं। बिल्कुल सही कहा तुमने, इससे इनकी श्रद्धांजलि भी हो जाएगी और हमारा ट्रेडमार्क भी बना रहेगा जो इन्हें बड़ा पसंद है। हाँ वैसे वैसे भी सुबह सुबह टाइम तो हो ही गया है। अर्चना, let's start with you. What do you say about this performance? I think एक बहुत नोबल एफर्ट था आप तीनों की तरफ से। मुबीन आज आपने बहुत बढ़िया किया, मुझे बहुत पसंद आया जो भी आपने किया। मुझे वो पुरानी श्वेता याद आई जो used to come beautifully dressed and you know full of life। जितना था आपके पास आपने वो बहुत अच्छा किया। इन ऑल आप तीनों से हमेशा उम्मीद रहेगी और हम जानते हैं कि आप इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, शायद आज नहीं लेकिन जरूर अगले एपिसोड में। थैंक यू आरजी। अरबाज, श्वेता टुडे यू हैव डन एक्सीडिंगली वेल, यू लुकिंग ब्यूटिफुल एंड आपकी जो नज़ाकत थी, आपकी जो अदा थी, आपने जो महारानी का कैरेक्टर प्ले किया वो बहुत खूबसूरत प्ले किया, बहुत अच्छा प्ले किया। यू हैड समथिंग टू डू एंड यू लिव्ड अप टू दैट कैरेक्टर। एज फार एज अपना मुबीन इज कंसर्न, मुबीन ये तुम्हारा अटायर एकदम एक बेवकूफ जो महाराज का था वो बड़ा अच्छा निभाया आपने, और वो जो मिमिक्री जो नहीं छूटती ना आपसे कभी ना कभी वो एक्ट में जो आ जाती है वो भी बड़ा अच्छा था। एंड कपिल, यू हैव जस्ट डन दिस एक्ट एफर्टलेसली। आई थिंक द राइटिंग पार्ट ऑफ दिस वॉज गुड, थोड़ा सा लाइक आई सेड देयर वॉज नॉट मच टू डू, सो प्रोबेबली द कपिल दैट यू एक्सपेक्ट डिड नॉट कम आउट दैट वेल, सो आई एंजॉयड द एक्ट बट नॉट टू द अमाउंट जो आपके पुराने जो एक्ट्स हैं, इससे पहले जो एक्ट्स हैं उस लेवल पर नहीं, इतना नहीं मज़ा आया, तो आई थिंक ओवरऑल गुड। या सो अरबाज, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 8 points from Arbaaz and 8 points from Archana.
तो श्वेता, मुबीन और कपिल के लिए जोरदार तालियां। इतिहास गवाह है कि कॉमेडी सर्कस ने इंडिया को सबसे ज्यादा हंसाया है और ये काम कॉमेडी सर्कस हमेशा करता रहेगा। हंसी का ये दरबार ऐसे ही सजता रहेगा। ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।